फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज किस नए दिन में फिर से आपका स्वागत। और ईश्वर पिता को धन्यवाद कि इतना सुंदर सा दिन दिया देखने के लिए। रात भर हम लोग आराम से सोए। हमारा कल काम सारा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हमने अपने सारे काम को अंजाम दिया। डाटा रिकॉर्ड कर लिया, रिट्रीव कर लिया, रिपोर्ट बना लिया, हम लोग सारा कुछ कर लिए है ना। और अब हम लोग वापसी के रास्ते में हैं और टाइम लगेगा। कल हम लोग जब निकले थे 7 बजे, वहाँ से 14 घंटा हम लोग को जर्नी करके वापस अपने हेडक्वार्टर को लौटना है। अभी उस 7 बजे से 14 घंटा का जो जर्नी है उसमें से काफ़ी जर्नी पार कर चुके हैं। 7 से अभी 7-12 घंटा कम्प्लीट होने वाला है। फिर नेक्स्ट 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने यहाँ पे। और उन सारे लोगों को जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था, जिन्होंने अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए दुआएं की थी, उन सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना फेस्टिवल मना सके, अपने उस चीज़ को मना सके, इसलिए अपने इष्ट देवता को उसका शुक्रगुजार मनाइए कि ये सुंदर मौका दिया उन्होंने कि आप लोग साथ में रह सकें, एक दूसरे के साथ में अपना करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट कर सकें। आपके पतियों की लंबी उम्र की दुआएं हमारी तरफ से भी बनी रहे। लेकिन हर एक लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपकी पत्नियां वाकई में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हैं, कृपया उनकी त्याग तपस्या को व्यर्थ ना जाने दें। जितने भी बैड हैबिट्स हैं कृपया उसको तुरंत से तुरंत त्याग दें। ये लंबी उम्र का वरदान केवल उन्हीं के लिए है जो लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, जो लोग अपने हेल्थ को प्रेशियस समझते हैं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि उनसे कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आप निराशावादी होकर अपने आप को किसी भी तरह का कष्ट ना पहुँचाएँ, क्योंकि आप खुद के लिए सिंगल एंटिटी हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप एक पूरी दुनिया है। आपकी खुशी, आपका गम, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी वाणी मधुरता, उन सभी के जीवन को क्या कहते हैं उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए खासकर, क्योंकि वो अपना घर, मायका, अपने लोग, अपने माता पिता, भाई बहन, अपना सारा कुछ सिर्फ आपके भरोसे छोड़ कर आई है। अब आप अगर अपने आप को भी ख़त्म करना चाहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आप किसी की ज़िंदगी को कितना कष्टमय और कितना दर्दनाक बनाने वाले हैं। आप भले उस समय नहीं रहेंगे उसके कष्ट को देखने के लिए, लेकिन जहाँ कहीं पे रहेंगे आपकी आत्मा जरूर पछतेगी खुद को कि काश थोड़ा सा रुक जाते, काश थोड़ा सा संभल जाते तो आज ये दिन देखने का नसीब नहीं होता, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मरने के बाद कोई नहीं जानता कि उसके साथ में क्या होगा, लेकिन जीने में जब तक आपके पास जान है, जीवन है, तभी केवल आप इस तरह की बातें कर सकते हैं कि अरे मरेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं रहेंगे तो किसको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपकी बीवी को फ़र्क पड़ेगा, आपके बच्चों को फ़र्क पड़ेगा, आपके माता पिता को फ़र्क पड़ेगा, आपके भाई बहन को फ़र्क पड़ेगा, आपके जो करीबी दोस्त हैं जो आपके सलामती की दुआचार करते हैं उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो आप उनके लिए जिए, सेल्फिश ना बने। जो कुछ भी आप करते हैं जब तक आप इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी आपकी जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। बहुत फिक्र करते हैं लोग घर वाले, कृपया उनके प्रयास को आप व्यर्थ ना करें। देखिए मेरे पीछे चांद अभी भी निकला हुआ है। जिन लोगों ने अगर दर्शन नहीं किया है तो आप दर्शन कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ, ये चांद निकला हुआ है सामने। हम लोग केरला कोस्ट के पैरेलल चले जा रहे हैं, वहाँ पर एक पावर प्लांट है जो दिख रहा है यहाँ से, शायद आप लोग भी देख पा रहे होंगे। ये केरला, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक का कोस्ट बहुत लंबा है और दुनिया का सबसे लंबा कोस्टल पार्ट भारत के पास है। वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट से लगा हुआ, तीन तरफ पानी से घिरा। वेस्ट कोस्ट में आपका अरब सागर,
दक्षिण में हिंद महासागर और ईस्ट कोस्ट की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल, इसका शोभा बढ़ाता है। आपके पास द्वीप समूह का एक जखीरा है जिसको बोलेंगे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, ये सब है ना। तो आपको गर्व होना चाहिए, आप ऐसे सुंदर देश में हैं जहाँ पर बहुत सारे लैंड जमीनी क्षेत्र हैं, भारत का भूभाग है, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, लक्षद्वीप का द्वीप समूह है ना। तो ये सारी जगहें आप देखिए, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा देखने में, जानने में, समझने में, है ना। मैं तो बस यही करता रहता हूँ, आप लोगों का प्यार मिलता है, वीडियो बना रहा हूँ, जो अपनी आँखों से देखता हूँ वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अभी मेरा मॉर्निंग वर्कआउट का टाइम हो गया है, तो जो लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं उनको कोई काम धाम लग नहीं रहा है, आप बेकार बैठे हुए हैं, सोच रहे कि क्या करें, क्या काम करें, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मैं अभी एक घंटे आपको वर्कआउट पर ले चलूँगा। ये एक शिप है, आप देख लीजिए, बहुत स्पेस है यहाँ पर, अच्छा से दिखा देते हैं। ये स्पेस है छोटा सा, बहुत मेहनत नहीं है, जगह फ्री हैंड करवाऊँगा आप लोगों को। ये एक हमारे मित्र हैं कानपुर से, है ना, ये भी कुछ दिन बाद शायद इच्छा करेंगे तो ज्वाइन करेंगे। और सुबह होने वाली है, सुबह का देख लिया मैंने मेरा। तो आप क्या करेंगे, आप एक कंफर्टेबल ड्रेसअप होंगे, ओके, वर्कआउट के लिए जो भी आपको पहनने में इच्छा लगता है, और साथ में एक हाइड्रेशन के लिए पानी आपके पास होना चाहिए। आप उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको इलेक्ट्रोल पाउडर भी ला सकते हैं, या फिर आप अगर प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं जैसे पीडियाश्योर वगैरह, है ना, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हाइड्रेशन आप ले लीजिए, वर्कआउट में बहुत पसीना बहने वाला है, पसीने के साथ में बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर से निकलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, तो आपको कमजोरी आ सकती है, मसल्स टूटेंगे, तो प्रोटीन ज़रूरी है। तो अगर आपके पास है तो आप यूज़ करिए, और मैं तो अपना यूज़ कर रहा हूँ जेट ड्रिंक, जिसमें प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक है, सारा कुछ, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने हाइड्रेशन के लिए वर्कआउट के दौरान। तो आप कर सकते हैं, और प्रॉपर ड्रेसअप करिए, एक ओपन स्पेस में रहिए, यहाँ तो बहुत ओपन है ना। तो अगर आप करना चाहें तो करें मेरे साथ में, मैं कोई पैसा नहीं देता हूँ, मुझे कंपनी मिल जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के साथ में मैं कर सकूँ। और बीच में नेटवर्क चैलेंज करेगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, आप मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिन चढ़ रहा हूँ, केरला कोस्ट के काफ़ी, कर्नाटका कोस्ट के काफ़ी करीब चल रहे हैं, ओके। तो आप स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वर्कआउट करेंगे, देखा थोड़ा चैलेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, कोशिश करेंगे जितना आपका शरीर अलाउ करता है आपको वर्कआउट करने के लिए उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, स्टेमिना को बढ़ाना है, शरीर को तकलीफ नहीं देना है, शरीर स्ट्रेंथ करना है, तो जितना आपसे बन पड़े, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। अगर नहीं कर पाएंगे थोड़ा चहल कदमी कीजिएगा, थोड़ा रहिए उठिएगा, शरीर को मोशन में रखिएगा, रुकिएगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको थकान लगेगी तो आप बैठ के अपना योगा वगैरह का रोज कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक घंटे वर्कआउट ले चलूँगा, मेरे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं, कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है, सिंपल सा जो हैंड वर्कआउट कर सकते हैं फ्री हैंड, वो मैं करूँगा, आप लोग भी लाभान्वित हो इससे, मेरा साथ देने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 6:30 हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 7:30 या 7:15, जिनको जैसे इच्छा है वो कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग रहेगी 5 से 10-15, है ना, जैसे आपका शरीर अलाउ करता है, ओके। आप अपना अपना काउंट करिएगा, शायद शोर में आवाज़ सुनाई नहीं देगा, ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
और थोड़ा सा ध्यान करेंगे और सांसों को कंट्रोल करेंगे, इन्हेल एक्सहेल पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए धड़कन को नॉर्मल करेंगे, ठीक है। वैसे 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जैसे भी आपकी इच्छा है आप उस अवस्था में रहें, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के ध्यान करेंगे पद्मासन में बैठ के, ओके। हुआ बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लिया, आधा घंटा से भी कम समय लिया है हमने,
तो देख सकते हैं कि आप सुबह में आधा एक घंटा 45 मिनट अपना लिए समय निकाल कर अपने आप को फिट रखने का प्रयास कर सकते हैं। इसको आधा घंटा से आप स्टार्ट करते हुए इसको एक घंटे तक ले जा सकते हैं, डेढ़ घंटे तक ले जा सकते हैं, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। आज आप लोगों के साथ में मुझे वर्कआउट करते हुए बहुत अच्छा लगा, और पार्टनर अगर साथ में रहे तो वर्कआउट करने में मज़ा आता है। ये मेरा एक प्रयास था आप लोगों को बताने का कि अपने बिजी शेड्यूल से आप कैसे अपने लिए आधा घंटा एक घंटा निकाल सकते हैं। सिर्फ 4% 24 घंटे में एक घंटा 4% के बराबर होता है हार्डली। तो आप उस 4% में भी, मैं 4 से भी कम समय में अपने आप को फिट रखने का एक प्रयास किया हूँ आज के दिन, है ना। आप लोगों के साथ वर्कआउट करके अच्छा लगा। 8% आपका सोने में निकल जाता है, बाकी के जो समय है 12 के बाद जो 100 में से 12% घटा के जो आपके पास बचता है समय, वो आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट है। वही आपका लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है कि आप कैसे अपने आप को रखना चाहते हैं। ये 4% में आप अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं। साथ में हाइड्रेशन इसलिए बोला था कि आप अंदर से कमजोरी महसूस ना करें, क्योंकि जब आपके बॉडी पार्ट्स वर्क करना शुरू करते हैं तो वो एसेंशियल मिनरल्स और एसेंशियल जो नीड है उसको भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इग्नाइट करते हैं, तो तुरंत उसमें से फ्यूल रिलीज होके वो बर्स्ट करता है और इंजन स्टार्ट होता है, है ना। वो रेडी हो जाता है, फिर जब आप की सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो वो फिर मोटर इंजन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल आपका शरीर वैसा ही काम करता है, और तो उसको फ्यूल देना ज़रूरी है। तो ये मैंने टैंक भर के रखा, जैसे जैसे घूट घूट करके पीता रहा तो मैं फ्यूल करता रहा, शरीर को पोषण तक मिलते रहे और मुझे सपोर्ट करता रहा कि मैं अपने आप को वर्कआउट के लिए फिट रख सकूँ, वर्कआउट के लिए अपने आप को काम कर सकूँ। तो ये पूरा बॉडी मैकेनिज्म है जो मैंने आपको समझाया है। ये तो सिर्फ 4% का काम है, 4% में आपका ये जो वर्कआउट का एरिया है, जो वर्कआउट जो वर्कआउट करते हैं तो वो 20% काम करता है, और 80% डिसाइड करता है आपका लाइफ स्टाइल, जो पूरा ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करता है। आपका इंटरनल हेल्थ कैसा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा रहेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असर करेगा, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा रहेगा, तो ये सारा गोल जो है वो उसी 80% में डिसाइड होता है, जो आपके खान पान और डाइट से रिलेटेड है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। यही 80% पे आपको काम करने के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप गुड न्यूट्रिशन लें, अच्छा खाना लें, बैड हैबिट्स को छोड़ें, और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करती जाएंगी, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। आपका काम अच्छा लगेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आप हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो एक मैंने बहुत बढ़िया लाइन पढ़ी थी कि सफल व्यक्ति जीवन में कोई काम अलग से नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। यही वो अलग तरीका है, सोचने समझने की क्षमता जिसकी डेवलप कर जाती है, वो हर काम को अपने तरीके से करना शुरू करते हैं और उनको सफलता मिलती जाती है। हम लोगों को लगता है कि इज़ अ लक्की पर्सन, उसको सब कुछ मिल जा रहा है। इज़ नॉट लक्की पर्सन, इज़ अ हार्ड वर्कर, इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन, जो कि अपने गोल के प्रति कभी भटकता नहीं, फोकस्ड रहता है, और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर प्रयास करता है। तो ये प्रयास ज़रूरी है, यही प्रयास जिसको हम कहते हैं कि चॉइस। आप जैसा चॉइस करेंगे वैसे आपकी लाइफ होगी। आप हेवन की चॉइस करते हैं तो आपको अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, तो आपकी जीवन यकीन मानिए स्वर्ग के तरह लगने लगेगी यही दुनिया, और जिनको नहीं लगती है वो नरक का दुख यहीं पे भोगते हैं। तो स्वर्ग और नरक यहीं पर है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ वर्कआउट करने में। अब अपना जो भी डाइट है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। मैं तो अपना शेक लूँगा, वर्कआउट के बाद शेक ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए जब बुलाया जाएगा तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी ले लूँगा, क्योंकि खाना बेकार नहीं जाना चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा जो ज़रूरी है, थोड़ा सा कैलोरी इनटेक करना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा कैलोरी ले लूँगा। न्यूट्रिशन, कैलोरी और वेट मैनेजमेंट, ये सारा इससे रिलेटेड है।
और ये जो लाइफ स्टाइल का पार्ट मैंने पढ़ाया आपको, ये उसी का हिस्सा है। वेलबींग कोच का जो मुझे सिखाए हैं, एक साल से मेरे पे मेहनत किए हैं, थैंक्स टू माई वेलबींग सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स टू माई सीनियर कोच अमरनाथ तिवारी एंड थैंक्स टू माई मेंटर हमारे प्रभात कुमार सिंह सर, और जितने भी सीनियर कोचेस हैं जिन्होंने समय से सब कुछ सिखाया हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर में, आज मैं आपको दे पा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये उनकी देन है, उन्होंने मुझे बनाया है। और ये लाइफ समझ लीजिए मेरा दूसरा लाइफ है। पहला ज़िंदगी मेरी माँ ने मुझे दिया, दूसरा ज़िंदगी भी मुझे मेरी माँ ने दिया, लेकिन हमारा सजाया इन वेलनेस कोचेस ने। हैट्स ऑफ है उन लोगों को जिन्होंने मुझे जिन्होंने मेरे पर मेहनत करके ये सब कुछ मुझे सिखाया है और आज तक मैं आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, अपने सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय आज के दिन। जाने से पहले एक सुंदर सा नज़ारा देख लीजिए। हम लोग करीब करीब मैंगलोर पहुँच चुके हैं। ये फिशिंग बोट है और ढेर सारा आपको पावर प्लांट दिख रहा होगा। ये कर्नाटका कोस्ट के बगल से हम निकल रहे हैं। सूरज चढ़ चुका है पानी में, उसकी प्रति छाया इतना सुंदर मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही है। ऐसा नज़ारा आपको शायद ही कभी देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप देखिए आनंद उठाइए। और ढेर सारी फिशिंग बोट जो है वो हमारे आसपास में है। अपना जो हमारे एक बल्क शिप भी है, ये कंटेनर शिप जिसको बोलते हैं, ये अपने दूसरे देश की यात्रा पर लगी हुई जा रही है। इसके साथ एक यहाँ पर भी बल्क शिप है, उससे आगे भी बल्क शिप है, उससे यहाँ भी बल्क शिप है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं मैंगलोर और अभी हम लोग बर्फ में खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे अपने पायलट का कि वो आएंगे और हम लोग को लेके जाएंगे। हम लोग मैंगलोर घूम चुके हैं, है ना। तो आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का साथ, ये पता ही नहीं चला कि हम लोग किस तरह से सफ़र करके चले आए, किस तरह से हम लोग अपना सर्वे कंप्लीट कर लिए। फेसबुक का बहुत बहुत शुक्रिया मार्क जुकरबर्ग का, जिन्होंने ये सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया और आज हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। देखिए ये एक बड़ा सा जहाज़ है, स्कोटिया के नाम से है, पता नहीं इंडिया नोविया स्कोटिया है ना। तो ये भी बल्क शिप है, कंटेनर शिप ही है। ढेर सारे शिप यहाँ पे लगे पड़े हैं जो अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चैनल के माध्यम से, पायलट के माध्यम से अपने हार्बर में पोर्ट पे जाएंगे, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। मैं आपको एक फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। छोड़ने का तो मन नहीं करता है, जाने का मन नहीं करता। ये हमारे मित्र अरविंद कुमार यादव, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सर। कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपडेट करना चाहेंगे? आपको देख के अच्छा लगा। कहाँ पे पहुँचे हम लोग? एक घंटा में पहुँच जाएंगे मैंगलोर। मैंगलोर पहुँच जाएंगे? देखिए वो शर्मा रहे हैं, चले गए, है ना। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ फ्रंट व्यू, बहुत सुंदर है। क्या कहूँगा, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे। ये सुंदर शांत समुद्र, शीशे की तरह चमकता पानी, सूरज का प्रतिबिंब समुद्र के ऊपर, ये सारे मछली वाले जहाज अपनी जीविका ढूंढते हुए ब्लू इकोनॉमी में मछलियाँ ढूंढेंगे। और ये सारे पावर प्लांट वहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। कर्नाटका का क्षेत्र है, देख पा रहे हैं उनका अच्छी दिन। देखिए आसमान, देखिए बादलों को, देखिए ये मंकी डेक में रडार हैं जो हम लोग को बताते हैं कि आसपास में कोई जहाज हमारे आसपास का नहीं है। आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों में तो ऐसे होता है ना, बातचीत होती रहती है, तो आपके कमेंट से ही मुझे पता चल जाएगा कि आप लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद। ये सुंदर सा नज़ारा देख लीजिए आप लोग, बादलों के बीच में ये सुंदर सा दृश्य, सूरज ऊपर उठता हुआ, उसकी प्रतिबिंब, उसकी छाया समुद्र के जल पर पड़ती हुई और उसका किरण जो है वो हमारे शिप को छूता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए शांत सुंदर मनोरम दृश्य समुद्र का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा हमारे सफ़र के, हम सफ़र बनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह वर्कआउट किया हमारे साथ में, इसके लिए शुक्रिया।
इतना सुंदर नज़ारा मैंने आपके लिए शेयर किया है ना। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, इसी तरह से लाइफ को एंजॉय करिए। बी पॉजिटिव, बी वाइब विद पॉजिटिव थॉट्स। और बाय बाय।